राष्ट्रपति के निर्वाचन की समानुपातिक मत पद्धति क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे अपन। क्या क्या इसके ऊपर जो आज का लेक्चर अपना इसके ऊपर बेस्ड है, तो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा किस तरह से आपको आंसर लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। किस पद्धति के आधार पर किया जाता है? लोकतांत्रिक पद्धति, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि गुप्त पद्धति से करते हैं। इस पद्धति में समानुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रत्येक राज्य को समान अनुपात में निर्वाचन में भाग दिया जाता है और प्रत्येक राज्य उस अनुपात के अनुसार कार्य करता है, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में विभेद उत्पन्न न हो, जिसकी गणना या आंकलन इस प्रकार किया जाता है। एक विधायक का मूल्य मत मूल्य, उस राज्य की कुल जनसंख्या बाय उस राज्य की कुल विधायक की संख्या इंटू 1/1000। देखिए, एक संसद का मत मूल्य, ये जो सूत्र इस फॉर्म से निकाल जाता है। वास्तव में यह पद्धति राज्यों में बगैर भेदभाव के निर्वाचन के प्रतिनिधित्व देती है, जिसे लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति पर टिप्पणी, देखिए एकल संक्रमणीय क्वेश्चन पूछा गया है पहले एग्जाम में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में वर्णित की गई है, जिसके अंतर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के साथ एकल सकल पद्धति को अपनाया गया है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार मतदान वरीयता के आधार पर होता है, अर्थात सदस्य राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों को मत प्रदान करता है, परंतु मतपत्र में दिए गए प्रत्याशियों के नाम के आगे अपनी वरीयत को जितने प्रत्याशी हैं उतनी ही वरीयत 1, 2, 3, 4 दर्शाता है। इस पद्धति का आंकलन प्रथम वरीयता द्वितीय वरीयता के आधार पर किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम प्रथम वरीयता वाले सदस्यों में देखा जाता है कि किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं। लेकिन प्रथम वरीयता में नहीं निकल पाता तो द्वितीय वरीयता को देखा जाता है, जिसमें प्रथम वरीयता में सबसे कम मत जिस प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं उस निर्वाचन से बाहर कर उसके मतों को द्वितीय वरीयता वाले के साथ जोड़ दिया जाता है। तब यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक स्पष्ट उम्मीदवार सामने न आ जाए। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। यह प्रक्रिया सभी प्रत्याशियों को अपनी वास्तविक स्थिति को अपना जानने और लोकतांत्रिक स्थिति को संचालित करने में सहयोग प्रदान करती है। राष्ट्रपति पर दायर की जाने वाली महाभियोग की क्या क्या प्रक्रिया क्या हैं, देखिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। संवैधानिक कदाचार करने के आधार पर संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पद मुक्त करने के महाभियोग की एक प्रक्रिया है, जिसे अमेरिका के संविधान से लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में रखा गया है। संविधान का उल्लंघन करने या राष्ट्रपति द्वारा अलोकतांत्रिक पद्धति से कार्य संचालन करने के कारण केवल संसद में महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जाती है, जिसमें संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। जिस सदन के 1/4 सदस्यों ने ऐसा प्रस्ताव लाया है उसी सदन के 2/3 सदस्य उसे पारित करते हैं। एक सदन से पारित होने के बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन को प्रेषित किया जाता है। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्षता से जाँच करता है और राष्ट्रपति पर लगाए गए कदाचार सही सिद्ध हो जाते हैं, दूसरा सदन भी उसे अपने विशेष बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उसी दिन से पदमुक्त माने जाते हैं। महाभियोग राष्ट्रपति को तानाशाही प्रवृत्ति से रोकने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, परंतु गौरव की बात यह है कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। बात के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, उनके कार्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो क्या क्या शक्ति